पीस इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। शांति जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, ये सबसे बुनियादी जरूरत है। अगर आपने इसे जीवन का परम लक्ष्य माना तो आपको मरने के बाद ही शांति मिलेगी। अगर आज आप आनंद लेना चाहते हैं अपने डिनर का, या पार्क में सैर करने का, या आसपास के लोगों के साथ का, तो आपको कम से कम शांत तो होना ही होगा। अपने जीवन के इस कुदरती पहलू को इतना गूढ़ न समझें। अपने अंदर शांति का वातावरण बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे साधन मौजूद हैं जिनसे आप अपने भीतर शांति का वातावरण तैयार कर सकते हैं। अगर आप हर दिन कुछ मिनटों का समय लगाने को तैयार हैं अपनी खुद की आंतरिक खुशहाली के लिए, तो शांत रहना स्वाभाविक होगा। आपने जो इकट्ठा किया है वो आपका हो सकता है, लेकिन कभी भी आप नहीं। अगर लोग अपनी बुद्धि पर गलत पहचानों का बोझ नहीं डालते, जैसे शरीर, परिवार, समुदाय, शिक्षा, जाति, वंश, देश, यहां तक कि जिस प्रजाति के हम हैं, और लाखों दूसरी पहचानें जो हम जीवन में बना लेते हैं, तब जीवन सहज ही अपनी परम प्रकृति की ओर बढ़ेगा। जब आप किसी ऐसी चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तो आपका मन एक एक्सप्रेस गाड़ी की तरह हो जाता है जिसे आप रोक नहीं सकते। अब आप ब्रेक लगाना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। सबसे पहले आपको अपना पैर एक्सेलरेटर से हटाना होगा। हर दिन कम से कम 5 मिनट तक खुद को याद दिलाइए कि आपके पास जो कुछ भी है, आपका हैंडबैग, आपका पैसा, आपका पहचान पत्र, रिश्ते, आपके दिल का भारीपन, आपका अपना शरीर, इन चीजों को आपने एक अरसे के दौरान इकट्ठा किया है। पहचानों को छोड़ने की प्रक्रिया जैसे जैसे आपके अंदर गहरी होती जाएगी, हाँ, आपको संतुलन बरकरार रखना होगा अपने हर काम को गहरे जुड़ाव के साथ करते हुए। आप पागलपन से ध्यान की ओर बढ़ने लगेंगे। नाड़ी शुद्धि का अर्थ है नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया। जब हम कहते हैं नाड़ी, तो हम 72,000 नाड़ियों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां दो बुनियादी नाड़ियों से निकली हैं, जो हैं पिंगाला और ईड़ा।